Hey guys, welcome back to the new vlog. So, आज finally guys वो दिन आ गया है जब मैं जाने वाला हूँ टोक्यो जापान. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज इस ट्रिप के लिए. एंड मैं इतना धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आसपास सब लोग बैठे हुए हैं और मैं बिजनेस लाउंज में हूँ, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा धीरे बात करना पड़ता है बिकॉज कुछ लोग फ़ोन पे होते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं. मेरे लिए गाइज यहाँ पे एक बच्चा है, उसने बहाँ 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 करके परेशान कर दिया है. तो इस वाले व्लॉग के लिए ना मैंने ऐसा कुछ स्पेशली प्लान नहीं किया है. बिकॉज रीज़न क्या पता है क्या, मैं जा रहा एक इवेंट के लिए और अगर पॉसिबल होता ना मैं इसको कम से कम 10 दिन एक्सटेंड करता. बिकॉज जापान में बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आपको घूमना है, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जापान में घूमने के लिए. एंड यू नो माउंट फूजी है, उसके बाद क्योटो एक अलग है, उसके बाद डोरेमोन का एक अलग ही गांव है, शिनचैन का एक अलग गांव है, इसके बाद पोकेमोन सेंटर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोकेमोन सेंटर जापान में ही है, बहुत सारे फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको देखने मिलेगी वहाँ पे. एंड मेरे को पता है मेरे अंदर से ना वो एक्साइटमेंट निकल रही है. मैं ऐसा लग रहा है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊँ कि भाई मैं जा रहा हूँ जापान. लेकिन वो इमेजिन करो कि मैं कितना यू नो मेरे फेस पे कितनी खुशी है. तो मैं फिलहाल तो मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ, यहाँ से मेरी फ्लाइट जाने वाली पहले बैंकॉक. मेरी 11:30 फ्लाइट है, आई थिंक 4-4.5 घंटे बैंकॉक पहुँच जाऊँगा मैं. फिर उसके बाद 2 घंटे का लेओवर है एंड देन उसके बाद मेरा 7:30 बैंकॉक टाइम के हिसाब से 3:30 है जापान टाइम. तो मैं लैंड करूँगा नरिता एयरपोर्ट पर टोक्यो. हमने एक होटल कर रखा हुआ है जो कि टोक्यो गेम शो ने हमें होटल करके दिया है, बढ़िया सा मस्त है. एक टोक्यो बे है, उसके जस्ट सामने होटल है एंड बहुत अच्छा व्यू है. मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा एंड फिर देखते हैं कैसा होता है क्या होता है. फाइनली गाइस हमारा ये जापान का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है. हम लोग बैंकॉक लैंड कर चुके हैं और अब बज रहे सुबह के 5:15 बैंकॉक टाइम के हिसाब से. बिकॉज अभी काफ़ी टाइम है हमें जाने के लिए, 7:30 बैंकॉक टाइम के हिसाब से भी चालू होने वाली है. सो अभी मुझे ढूंढना है मेरा गेट नंबर D4. अच्छा ये रहा, चलो आओ D4 चलते हैं. फाइनली गाइस मेरा D4 गेट ओपन हो चुका है. ये सारे पैसेंजर्स जापान जाने के लिए रेडी हो गए हैं, मैं भी जाने के लिए रेडी हो गया हूँ एंड हम चलते हैं D4 की तरफ. आ जाओ लेट्स गो. वैसे मुझे इंडियंस काफ़ी कम दिख रहे हैं और मेन चीज़ पता है क्या है ना कि ये अच्छा हुआ कि 1 घंटे पहले ही गेट ओपन हो गया है. फाइनली गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है टोक्यो के लिए एंड मेरे चेहरे पर इतनी लंबी लंबी हंसी है कि मैं बता नहीं सकता. ये मेरा ड्रीम था यार, जब से मैंने एनीमे देखना स्टार्ट किया, आई थिंक आई वाज इन स्कूल ओनली, मैं बहुत छोटा था जब से मैंने एनीमे देखना स्टार्ट किया था. अब मैं पहली बार टोक्यो जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ, वहाँ का सब बहुत मज़ा आने वाला है. गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए टोक्यो नरिता. अब ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2. तो हम लोग, मैं टर्मिनल 1 पे हूँ, मेरा दोस्त टर्मिनल 2 पे था, तो वो अभी अपना वो लेके आ गया है. क्या कहते हैं अपना एक जो लाइन चलती है ना, ट्रेन की लाइन चलती है टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 के लिए, तो वो लेके आ गया है. एंड गाइज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, मेरे को बस बाहर निकलना है. मैंने आपको यहाँ का दिखाता हूँ, हम लोग अभी जोधपुर का जो टर्मिनल था ना, हम लोग अभी उसके नीचे आए. नीचे प्रॉपर आपको यू नो ये JR लाइन मिलेगी, JR पास आपको ख़रीदना पड़ेगा एंड ऊपर आपको बस वगैरह मिलेगी. सो अभी हम लोग नीचे हैं, यहाँ से हम लोग JR पास ले रहे हैं सो दैट यू नो हम लोग अपने लोकेशन तक जा सकें. एंड उसके बाद आने वाला है मेन बाज़ार, क्योंकि गाइज हम लोग टोक्यो का चक्कर काट के जाएंगे. पहले हमने सोचा था कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, बट ट्रेन से हम जल्दी पहुँच जाएंगे. मैंने कहा कि नहीं यार, जल्दी नहीं पहुँचना है, भले ही लेट पहुँचेंगे लेकिन यू नो सब नज़ारे देखते हुए जाएंगे. और दूसरी चीज़ पता है क्या, दूसरी चीज़ यही कि भाई मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, आप मेरी शक्ल देख सकते हो, मेरे बालों की हालत देख सकते हो, मेरी आँखों की हालत आप देख सकते हो. और मेरा दोस्त यहाँ पे कुछ तो भी लफड़ा कर रहा है लगता है इसको लेके. सो गाइज आर यू गाइज रेडी टोक्यो देखने के लिए मेरे साथ, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है टोक्यो में एंड मैं भाई बहुत मज़े करने वाला हूँ, मैं बहुत घूमने वाला हूँ, कोई मेरे साथ आए चाहे ना आए अपनी. सो गाइज
बने रहो व्लॉग पे, अभी के भी लाइक बटन दबा दो। ये मेरा पहला टोक्यो का रेलवे एक्सपीरियंस होने वाला है, कुछ आइडिया नहीं है, फटाफट पास लेते हैं एंड देन निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो बेसिकली देखो गाइस, वहाँ से आप लोग आते हैं, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरनेशनल डिपार्चर, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, वो देखो दिख रहा है इंटरनेशनल डिपार्चर। तो वहाँ से आप लोग एयरपोर्ट से नीचे आते हो, सो वहाँ से आने के बाद आपको सीधा आना है इस वाली लाइन में, यहाँ पे लिखा हुआ JR ईस्ट ट्रैवल सर्विस सेंटर, तो यहाँ पे आपको आपका JR पास मिल जाएगा, यहाँ पे बकचोदी हो रही है हमारे JR पास की, एंड यहाँ से वगैरह फिर आप ऊपर जा सकते हो अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टारबक्स मिल जाएगा एंड देन यू नो यहाँ पे जहाँ से JR लाइन चलती है, ये ऐसी होती है आपकी ट्रेन टिकट, 990 yen में मिली है मेरे को। सो 990 yen आप समझ लो लगभग 450 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे चीबा, अभी चीबा लाइन है। हम लोग खड़े गए अभी लोकल ट्रेन के अंदर जापान के, और देखो लाइक लोग यहाँ पे लिटरली गेम खेलते रहते हैं, लाइक दिख रहा है आपको। सो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं उस डायरेक्शन, अगर हम लोग वो डायरेक्शन देखो जैसे वो ट्रेन गई है उस डायरेक्शन जाते तो फिर ये भाई साहब चलाते हैं, ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं। लोग गाइस नारिता स्टेशन आ गया है और सब लोग नारिता उतरेंगे, सब लोग नारिता उतरेंगे। बैठो 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 बैठो, यहाँ तो बैठ ही नहीं पाऊँगा मैं, उधर बाजू रख दे। अगला स्टेशन है सर, जैसे अपने यहाँ पे कैसे होता है ना कि लोग ग्रीन झंडी हिलाते रहते हैं, देखो यहाँ पे ये बटन दबाएगा, देखना अभी एक दबा बे, दबा, हाँ ये देखो बटन दबा दिया, ये देखो उंगली भी कर दिया, और ये भाई साहब आ गए अभी अंदर, और अब ये गेट बंद हो जाएंगे, ये देखो बंद हो गए। नेक्स्ट स्टेशन कौन सा? नेक्स्ट स्टेशन है पता नहीं, यहाँ पे ना एक वार्निंग बेल बजाते हैं लोग, जैसे अपने कैसे चिल्लाते आओ आओ चल रही है ट्रेन चल रही है, ऐसे यहाँ पे वार्निंग बेल बजती है टाना नाना टाना ना ऐसा करके, एंड उस पर लोग मतलब फिर डांस कर सकते हैं, इतनी मस्त वार्निंग बेल चलती है। फिर वो नहीं, मेरे को नहीं करना, मैं बहुत थक गया हूँ। जैसे वार्निंग बेल ख़त्म होगी उसके बाद थोड़े बहुत सेकेंड रुकेंगे एंड देन उसके बाद चलेंगे सीधा। भाई एलिवेटर में घुसने के लिए तक लाइन लगानी पड़ती है, बताओ। ये देखो अभी ये एलिवेटर गई है, अभी यहाँ पे लाइन लगी है, ये इनकी अलग लाइन लगती है, इनकी अलग लाइन लगती है, सब लाइन से खड़े हैं यहाँ पे, सब लाइन से। और हम लोग अभी जाएंगे इसके बाद मोनोरेल में, मोनोरेल में जाके अभी हमारे लिफ्ट आएगी नीचे, अरे बटन तो दबाओ यार। सो बेसिकली इनके हाथ में ये होता है ना, वो बहुत काम आता है ये चीज़ वो ट्रेन के अंदर चढ़ाने के लिए, देखो तब तक ये ट्रेन रोक के रखेंगे जब तक कि वो अंदर नहीं जाते, फिर वो नीचे वो फ्लैट बेड जैसा रहता है वो लगाएंगे, उसको अंदर उनको अंदर बिठाएंगे एंड देन फिर ट्रेन स्टार्ट कर देंगे। और हमारी लिफ्ट आ गई है, चलो। सो हमें लेना है मोनोरेल से एग्ज़िट, ये हमें सेंट सिटी टावर सोगो तक लेके जाएगी, बिकॉज आपको याद होगा गाइज कि हमें जाना था चीबा स्टेशन से उतर के सोगो, एंड हम लोग जा रहे हैं सोगो की तरफ, दोनों बैग मेरे पास है, चलो। ये आ गई मोनोरेल ऊपर, पढ़ पा रहे हो ना आप लोग? आई थिंक हम लोग पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ देखो सेंटर में लिखा है मोनोरेल, यहाँ से ऊपर चलते हैं सीधा, नो वॉकिंग नो रनिंग। ये देखो ऐसा यहाँ पे ऐसा बैग लगा देने का, सिंपल, और फिर छोड़ देने का, डन है। थक गया मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे ना, चीज़ें बहुत कम देर के लिए रुकती है। भाई हम लोग निकाल रहे टिकट, अभी देखो ये टिकट निकली हमारी और ये निकल गए मेरे पैसे खुले। सो गाइस देखो अभी हमने ये छोटी सी टिकट ली है, ये मोनोरेल की टिकट होती है, ये भी एक तरीके का मेट्रो ही है लेकिन ये थोड़ी छोटी होती है, अपनी नॉर्मल मेट्रो कितनी बड़ी होती है ना, ये थोड़ी छोटी होती है। देखो अभी यहाँ पे आने वाली है एंड हम लोग जाएंगे, आई थिंक हम इस डायरेक्शन पे जाएंगे या पता नहीं किस डायरेक्शन जाएंगे, बट मैं आपको दिखा दूंगा। और देखो यहाँ पे 500 का कॉइन मुझे मिला है और एक 100 का कॉइन मुझे मिला है, और ये मोनोरेल की एक छोटी सी टिकट। और हमारी जो मोनोरेल है वो चीबा मिनाटो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे चीबा मिनाटो लिखा हुआ है, और वो आने वाली है 1848 मतलब 6:48 पे आने वाली है। ये देखो अभी लिखा था चीबा मिनाटो, और अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 6:45 है ना, तो अभी 3 मिनट में हमारी आ जाएगी। और दूसरी चीबा मिनाटो उस वाले नंबर 4 ट्रैक पर आ रही है, वो आएगी 6:56। सो अभी 3 मिनट वेट करना है हमें और हमारी आ जाएगी चीबा मिनाटो, जिसकी हमने टिकट ले रखी है, एंड उससे बस हमारा होटल पास ही है। सब लोगों ने ऑलरेडी लाइन लगा दी यहाँ पे, देखो गाइस यहाँ पे भी लाइन लग रही है, यहाँ पे भी लाइन लग रही है, ये क्या चीज़ है, चिल आउट, आउट टेस्ट करके देखते हैं।
क्या था ये? तो वैस ये हमारी मोनोरेल है चीबा मिनातो। चलो घुसो अंदर। तो गाइस ये ना सिर्फ दो डब्बे वाली ट्रेन है, एक डब्बा ये है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये एक डब्बा है, और एक डब्बा ये है जहाँ पे कुछ लोग वो है, तो वो एक डब्बा है। तो बस दो डब्बे की ट्रेन है ये छोटी सी। तो गाइस जापानीज रेलवे स्टेशन में स्वागत है आप सभी का। हमने मोनोरेल छोड़ दी है, अभी हम ट्रेन से वापस जाने वाले हैं। हमें सिर्फ तीन स्टेशन आगे जाना है एंड डायरेक्टली हमारा होटल आ जाएगा। मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ कैसा है, एकदम छोटा सा, साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा। सो अगर आप वो देख पा रहे हो, तो देखो वहाँ पे लिख के आ रहा है प्रॉपर, तो हमारी 7:04 में ट्रेन आने वाली है। देखो घंटी बज गई, मतलब ट्रेन आ रही है। तो ये इस साइड पर थोड़ा स्टेशन है। आप पता है गाइस, आपको हर जगह पे एक वेंडिंग मशीन मिल जाएगी यहाँ पे। लाइक आप कितनी भी गली कुची में घुस जाओ, कितनी भी सुनसान एरिया में चले जाओ, आपको एक वेंडिंग मशीन मिलेगी, मतलब मिलेगी। और वो आ रही है ट्रेन। खाली लग रही है यार ये तो। फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ गए हम लोग, और अभी सीधा जाते हैं होटल पे। होटल जाकर थोड़ा फ्रेश वेश होते हैं। कल से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ, बस ब्रश होके लेके आया एयरपोर्ट पे आज से। सो गाइस फाइनली हमारा एयरपोर्ट से लेके, रेलवे से लेके, मोनोरेल से लेके, मेट्रो से लेके सारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, और यही कहीं हमारा एक होटल है। एंड अगर आप देख पा रहे हो गाइस, देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है, आपको दिख रहा है? ये देखो, देखो यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की। अब मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, क्योंकि मेरे को अभी जाना है होटल। भूख बहुत ज़ोर के लगी है, तो खाना खाना है, एंड खाना खाने के बाद मस्त से नींद मारनी, बिकॉज कल मुझे जाना है टोक्यो गेम शो, और कल के लिए हमें चाहिए पूरी की पूरी एनर्जी। तो अभी फटाफट निकलते होटल की तरफ। मेरा पूरा अवतार ख़राब हो गया, मैं पूरा थक गया हूँ चल चल के। और गाइस फाइनली होटल पहुंच गया हूँ मैं, एंड होटल पहुंचने के बाद चेक इन हो गया, मेरा सब कुछ हो गया। ये मुझे मेरा रूम कार्ड मिल गया, मेरा रूम नंबर है 9th फ्लोर पे, समथिंग 9900 समथिंग कुछ रूम नंबर है मेरा। और अच्छी खासी बिल्डिंग है, और ये एक बे पड़ता है सामने, तो उसका व्यू होगा मेरे हिसाब से। मैंने यूट्यूब पे देखा था, बाकी मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं है कि यू नो लाइक कि व्यू क्या होगा। बट अभी रूम में जाएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ मेरे दोस्त का, उसका भी आई थिंक हो ही गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये होटल की लॉबी कैसी है, ऐसा लगेगा कि आप एयरपोर्ट पर आ गए। ये देखो हर जगह पर स्क्रीन 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 स्क्रीन। सो अभी क्या हो रहा था कि मुझे मिला था इस वाले, लाइक ये सेंट्रल बिल्डिंग है, मुझे मिला था इस वाले बिल्डिंग में। मेरे एक दोस्त को मिला है इस वाले बिल्डिंग में, एंड दूसरे दोस्त को मिला है वेस्ट वाली बिल्डिंग में। तो हम निगोशिएट कर रहे थे कि भाई हमें भी, मतलब तीसरे वाले बंदे को भी यहीं पे आप दे दो, ताकि हो तीनों दोस्त एक साथ ही रहेंगे, एक ही फ्लोर पे रहेंगे। तो अब वही बातचीत चल रही थी, तो अब जाके आई थिंक उन्होंने मान लिया शायद, एंड आई थिंक 5 मिनट में उसको रूम दे रहे हैं। बाकी तो होटल बढ़िया लगा मेरे को, एंट्री बहुत दूर से एंट्री है इस होटल की, बाकी को पूरा अंदर आना होता है। अभी बज रहे 7:57, मतलब ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं जापान टाइम के। तो लगभग लगभग आप 24 घंटा पकड़ ही लो, 24 घंटे पहले मैं निकला था, 24 घंटे बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचा हूँ। और अब मैं जाके थोड़ा देर बेड पे पसरूँगा, फिर उसके बाद एक गर्मा गर्म हॉट शावर लूँगा, उसके बाद कपड़े पूरे चेंज करूँगा, मैंने कल से कपड़े पहन रखे ही हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से एक बार ब्रश करूँगा, बिकॉज मैंने बैंकॉक में ब्रश किया था, उसके बाद से मैंने ब्रश ही नहीं किया है। तो दोबारा से एक बार ब्रश करूँगा, नहाऊँगा अच्छे से, एंड देन रेडी होकर फिर हम लोग निकलेंगे कुछ खाने के लिए। सो तब तक कि आप लॉबी देखो। ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा झूमर लगा रखा है, जो कि बढ़िया लुक देता है। वहाँ से मेरी लॉबी एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने ये वेटिंग एरिया बना रखा है, यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सारे लोग, लाइक आप खुद देखोगे, ऐसा लग रहा है ना कि इमिग्रेशन सेंटर लग रहा है पूरा एयरपोर्ट का, पूरा वैसा ही लग रहा है। पहले जब मैं आया ना यहाँ पे, मुझे लगा कि यार माँ कसम ये कौन से एयरपोर्ट पे आ गए छोटे से। बाकी तो लॉबी का देखो बहुत बढ़िया है यार, इन्होंने ना बहुत हर जगह पे देखो वो लगा रखा है। ये देख मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये चीज़ ये इन्होंने हर जगह लगा रखी है पूरी। सो गाइस ये मेरा रूम नंबर है 90944, और मैं आपको दिखाता हूँ ये रूम कैसा है मेरा। लाइक लिटरली घुसते से ही ख़त्म, मतलब लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं जापान आ गया हूँ।
लाइक तुम खुद देखना भी, ठीक है? ये लाइट लगा दी मैंने, ये घुसते से ही बेड, यहाँ पर मैंने बैग लगा दिया है मेरा, ठीक है? ये पता नहीं उन्होंने इतने सारे पोस्टर लगा रखे हैं। चलो बेड वेड तो बाद में देखते हैं, ये पहले बाथरूम देख लेते हैं। ये देखो भाई, ये क्या है भाई, लाइक लग रहा है ना जापान आ गया यार। पता ये गेमिंग शो वालों ने भाई अजीब दे दिया है, ये यहाँ पे इन्होंने एक वेस्टर्न टॉयलेट दे दिया है, ठीक है? इसमें अब बैठ के नहाना है कि खड़े होके नहाना है कि कैसे नहाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है ये ऐसा ही कुछ रहेगा। यहाँ पे नहाना, यहाँ पे शावर है, खड़े होके शावर लेके नहा सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है उन्होंने, शैम्पू, बॉडी लोशन एंड ऑल, वो बॉडी शैम्पू एंड जो भी होता है, बॉडी वॉश वगैरह। यहाँ पे अगर बैठ के नहाना है तो ये बैठ के नहा लीजिए, यहाँ पे ब्रश वॉश कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए अपना थोड़ा, बाहर जैसे ही आओगे इससे अपनी पीठ घस लीजिए, ठीक है? ये आपको रात को पहनने के लिए, दिन को पहनने के लिए पता नहीं। ये यहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा एक टीवी दे दिया है, ठीक है? मतलब आप देखो यार गाइस, क्या रूम है, वहाँ से रूम स्टार्ट हुआ और वहाँ पे ख़त्म भी हो गया। लिटरली दो बेड दे दिया मुझे, अब मैं दो बेड का क्या करूँगा, मेरे को तो एक बेड चाहिए था। आओ देखते बाहर क्या का क्या सीन है। ओ अच्छा, बाहर का व्यू तो ठीक है भाई, आई थिंक आपको व्यू दिख नहीं रहा होगा अभी, और शायद मैं ये खोल भी नहीं खोल सकता हूँ क्या? अरे मां की चूड़ी भाई, भाई सीधा मेरे मुंह पे गिर जाता है ये तो डायरेक्ट वो मेरे को वो व्यू मिला है, लाइक क्या कहते हैं उसको, पूल व्यू मिला है मुझे, एंड देन रोड वगैरह, एंड आई थिंक वो सामने आपको दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पे शायद टोक्यो गेम शो हो रहा है। बट एनीवेज ये, अरे ये क्या बना दिया इन लोगों ने, ये देखो अभी ये हम स्कूल में बनाते थे ऐसा, है ना गाइस? ये देखो ये बर्ड बना रखा है इन लोगों ने, ये सब स्कूल में प्रोजेक्ट्स बनाते थे, हमको स्कूल में बनाने के लिए देते थे ये छोटा सा, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखते थे, कोई आएगा तो उसको देखेगा चिड़िया बैठी हुई है यहाँ पे। ये अच्छा, ये वो बेल्ट जैसा होता है, ये आपका नाइट ड्रेस है, ये प्रॉपर एक नाइट ड्रेस है, यहाँ पर भी एक नाइट ड्रेस दिया उन्होंने, यहाँ पर एक बेड है, यहाँ पे तुम्हारा वर्किंग टेबल है, यहाँ पे तुम अपना बैठ के काम कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे तुम बैठ सकते हो, अपना काम वाम कर सकते हो, काम निपटा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने कुछ मैगजीन दे रखी है, लेकिन सारी की सारी मैगजीन जापनीज में, तो जापनीज में तो मुझे कोई समझ में आता नहीं है, तो इन्होंने जापनीज पढ़ के मतलब नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज दे रखा है, एंड फ्रिज पूरा का पूरा खाली है, मां कसम। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह अगर आपको कुछ बनानी है, चाय बनानी, कॉफ़ी बनानी, तो वो सब का सामान है। उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पे हेयर ड्रायर है, और थोड़े टिश्यू पेपर्स हैं, एंड और कुछ मैगजीन्स हैं या पता नहीं क्या, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे टीवी का रिमोट है, यहाँ पे चार्जिंग प्लग है, पानी की बॉटल है। ये क्या चीज़ है बे, ये अच्छा, ये एयर प्यूरीफायर है, आई थिंक सो ये एयर प्यूरीफायर है। हाँ इतने से रूम के लिए एयर प्यूरीफायर तो लगेगा ही लगेगा यार, बहुत छोटा सा। और यहाँ पे एक आईना है जहाँ पे तुम रेडी वेडी हो सकते हो, यानी नो लाइक सारी चीज़ें। और ये एक रिजॉर्ट का पता नहीं, आई थिंक ये रूम फ्रेशनर है मेरे को लग रहा है। तो यहाँ गाइज यही है, सो यहाँ गाइज यही है रूम हमारा चार दिन के लिए, चार भी नहीं, आज तो 22 ख़त्म भी हो गई है, 23, 24, 25, तीन दिन के लिए यही रूम रहने वाला है, 26 को तो मैं निकल रहा हूँ, तो तीन दिन हम यहाँ पे रहेंगे। और बाजू में टोक्यो गेम शो है, तो फटाफट टोक्यो गेम शो हो जाएगा। एक चीज़ अच्छी है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा के फटाफट होटल आके फटाफट रेडी होके भाग सकता हूँ लाइक बाहर। यूजुअली क्या होता है कि हमें ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, राइट? जैसे अगर आपने कोरिया में देखा होगा, तो कोरिया का जो होटल था, कोरिया का होटल और जो कोरिया के इवेंट होते थे वो बहुत दूर थे। मतलब अगर आपको होटल जाना है तो मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 घंटे लगते ही लगते थे, राइट? अगर आप वापस होटल से इवेंट जाना है तो 2 से 3 घंटे लगते ही लगते थे। अभी यहाँ का सीन वैसा नहीं रहेगा, यहाँ पे मैं तुरंत ही अपना इवेंट खत्म करके फटाक से होटल आके फ्रेश फ्रेश होके कपड़े चेंज करके तुरंत ही हम यहाँ से भाग सकते हैं, ठीक है? पास में ही वो JR लाइन है, हमारे पास 7 दिन का JR पास भी है, तो JR पास बेसिकली आपको, आप एक हफ्ते तक पूरे जापान में कहीं पे भी घूम सकते हो, वो JR पास होता है, तो वो भी मेरे पास है, तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बट दिन का टाइम तो पूरा हमारा इवेंट में जाएगा, शाम के टाइम देखते कितना कहाँ घूम सकते हैं। तो अभी गाइज शाम के बज चुके 8, फटाफट मैं रेडी होता हूँ, थोड़ा सा लाइक रेस्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाता हूँ, थोड़ा देखता हूँ इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, थोड़ा नहा लेता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ, एंड देन 9 बजे तक रेडी होकर हम लोग बाहर निकलते हैं, बिकॉज बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, एंड देन आके आराम से सोना है बस, एंड देन फिर कल उठ के जाना है इवेंट के लिए। हाँ तो गाइज रेडी होकर मिलता हूँ आपको, ठीक है? यो रुको रुको गाइज,
तो गाइज मेरा ऑलरेडी एक व्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे मैं व्लॉग्स डालता हूँ रशिया दुबई जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ कोरिया वगैरह यू नो वियतनाम सब जगह मैंने व्लॉग डाले हुए। तो गाइज यहाँ पे कहीं आपको मेरा व्लॉगिंग चैनल दिख रहा होगा, दबा दो इसको सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइज जापान के बाकी के सारे जितने भी व्लॉग्स है वो सारे सारे गाइज अब इस वाले चैनल पे आने वाले हैं। मेन चैनल पे मैंने फर्स्ट एपिसोड डाल दिया है, अब से डे टू डे थ्री डे फोर जो भी होगा और अब से गाइज जितने भी व्लॉग्स होंगे वो सारे इस वाले चैनल पे आएंगे। मेन चैनल को हम रखेंगे सिर्फ गेमिंग के लिए एंड ब्लॉग वाले चैनल को रखेंगे हम लोग सिर्फ लॉगिंग के लिए या फिर IRL कंटेंट के लिए। ओके तो गाइज ऑल्सो गाइज मैंने पिन कमेंट में आप देख रहा मैंने पिन कमेंट में मेरे व्लॉगिंग चैनल का पिन कर रखा हुआ है लिंक, आप उसको क्लिक करो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो एंड जापान के सारे एपिसोड एंजॉय कर सकते हो। ओके सो यार गाइज सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को भी और व्लॉगिंग चैनल को भी। सो मिलते हैं एंड गाइज जापान के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही जबरदस्त है तो मिस मत करना। ओके सब्सक्राइब कर दो, चलो मिलते हैं गाइज।